पूरा विश्व वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मना रहा है। इस दिन को इस तरह मनाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लेकर एसएसबी हॉस्पिटल के चेयरमैन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसएस बंसल का कहना है कि विश्व भर में हर साल तंबाकू का सेवन करने से 80 लाख लोगों की मौत होती है, इसलिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है। देखिए रिपोर्ट। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। हमारे साथ में डॉक्टर एसएस बंसल हैं, एसएसबी हॉस्पिटल के चेयरमैन और कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज का दिन 31 मई वर्ल्ड नो टोबैको डे, आखिर यही दिन क्यों चुना गया इसके लिए? 31 मई से पहले एक्चुअली 7 अप्रैल था। द आइडिया वाज कि एक वर्ल्ड नो टोबैको डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में 80 लाख लोगों की जान सिर्फ टोबैको की वजह से जाती है और उसमें से 13 लाख के करीब हिंदुस्तान में लोग टोबैको की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो नहीं भी हैं स्मोकर, उनको भी 10 लाख लोग वो भी मरते हैं क्योंकि दूसरे लोग स्मोकिंग करते हैं। इसको हम कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, सेकेंड हैंड स्मोकिंग। जो लोग नहीं स्मोकिंग करते हैं पर रहते उनके साथ हैं जो स्मोकर हैं, तो इसलिए स्मोकिंग से ना केवल जो करता है स्मोकिंग उसको नुकसान होता है बल्कि उसकी फैमिली मेम्बर्स को और उसके दोस्तों को भी नुकसान होता है। और इससे क्योंकि 80 लाख लोगों की डेथ होती है, इसलिए वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल 31 मई को मनाया जाता है। आपने एक जो आंकड़ा दिया है बहुत बड़ा आंकड़ा है, और इंडिया की भी बात करें 13 लाख, यानी कि इसका अगर नुकसान की बात करें तो आखिर नुकसान क्या है, किस तरह की बीमारी इससे होती है? सर जी, ये टोबैको से जो सबसे पहले जो वर्ल्ड की सबसे लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि हार्ट अटैक, पैरालिसिस और पैरों में कोलेस्ट्रॉल का जमना, गैंग्रीन होना। तो जो ये इस तरह की बीमारियां हैं जो वर्ल्ड के नंबर वन किलर हैं, उसमें स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है एक तो। और जितने 40 साल से कम उम्र के बच्चे लोग जो आदमी आते हैं हार्ट अटैक से, उनमें से 90% स्मोकर होते हैं। जिनके पैर कटते हैं, जिनको गैंग्रीन होती है पैरों की, उनमें से अधिकतर 80% लोग स्मोकर होते हैं। तो ये दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो लंग कैंसर में 90% लंग कैंसर स्मोकर्स को होता है, बाकी नॉन स्मोकर को सिर्फ 10% लंग कैंसर होते हैं, 90% स्मोकर को होते हैं। और उनका रिस्क स्मोकिंग की वजह से 25 गुना रिस्क बढ़ जाता है कैंसर का। मुंह का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, पेट का कैंसर हो गया, पैनक्रियास का कैंसर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर का, उसके बाद सर्विक्स का, बहुत तरह के कैंसर हैं जो स्मोकिंग से या टोबैको से रिलेटेड हैं। उसके अलावा इम्यूनिटी कम हो जाती है, जो स्मोकर होते हैं उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, उनको अस्थमा जैसी बीमारी जिसको हम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं वो हो जाती है, जिससे उनको, और वो परमानेंटली स्मोकिंग की वजह से लंग डैमेज हो जाते हैं। अस्थमा तो फिर भी रिवर्सिबल होता है टू सम एक्सटेंट, जो अस्थमा टाइप की बीमारी COPD होती है स्मोकर्स को, वो रिवर्सिबल भी नहीं होती। उसके अलावा क्या है कि जो स्मोकिंग की वजह से निमोनियास हो जाते हैं पेशेंट को, इम्यूनिटी कम होने की वजह से। और उसके अलावा जो स्मोकर्स होते हैं उनका माउथ के दांत, गम्स वगैरह ख़राब हो जाते हैं, उनकी टेस्ट और स्मेल ख़राब हो जाता है। तो ये बहुत सारी बीमारियां स्मोकिंग से, टोबैको से होती हैं। लेकिन सर, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर एसएस बंसल, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एसएसबी हॉस्पिटल के चेयरमैन, जिनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अगर इस लत को, तंबाकू की लत को अगर छोड़ना है तो इसके लिए सरकारों को भी गंभीर प्रयास करने होंगे। एक उदाहरण उनकी तरफ से दिया गया है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और इसके नुकसान